This call is now being recorded. बच्चे आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जो डेसिमल होता है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि डेसिमल को या फिर आपके जो दशमलव प्रसार होता है, वो संख्याएं जो दशमलव में लिखी रहती हैं उनको हम परिमेय संख्या या फिर पी बटे क्यू के रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? आज हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को या फिर एक ऐसी संख्या को जिसके दशमलव के बाद बहुत सारे अंक हों, उसको किसी भी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का क्या है? आज हम पढ़ेंगे कि आवर्धन की प्रोसेस से, या फिर हम जैसे कहें कि किसी भी संख्या रेखा पर हम किसी भी एक परिमेय संख्या को या दशमलव वाली संख्या को कैसे दर्शा सकते हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो बच्चा सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, उन सबको ही हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने देखा, जब हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था, कि जो संख्या रेखा होती है वो आपकी जो मेन मेन रहता है वहां पर, तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं या फिर होल नंबर या फिर आपके कौन सी संख्याएं रहती हैं? पूर्णांक संख्याएं रहती हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं बच्चा? वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो वास्तविक संख्याओं में बच्चे आपका क्या आता है? आपके शांत दशमलव प्रसार भी आते हैं, आवर्ती दशमलव प्रसार भी आते हैं। तो हम इन संख्याओं को कैसे क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चा, हम पहला उदाहरण देखेंगे कि अगर हमारे पास जो हमारा दशमलव प्रसार है, एक ऐसा नंबर है जो कि शांत है, एक पॉइंट के बाद कट जा रहा है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर? और अगर वो नहीं कट रहा है, वो कैसा है? एक आवर्ती नेचर का है, आवर्ती प्रकृति का है, तो हम उसे कैसे दिखाते हैं? तो पहले वाले एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चे, किसका? 2.665 का। आपको याद होगा, ये आपके स्कूल वाली बुक में भी है। तो आपको क्या करना है बच्चा? हम दिखाएंगे कि किसी भी संख्या रेखा पर आप 2.665 कैसे क्या कर सकते हो, निरूपित कर सकते हो। ठीक है, अब इस संख्या को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी जो प्राकृतिक है या प्रकृति है वो कैसी है? शांत है, एक पॉइंट के बाद ये कट जा रहा है। अब सबसे पहले बच्चा, जब हम क्या करते हैं, जब हम इस संख्या को गौर से देखते हैं, जब हम आवर्धन की प्रक्रिया लगाएंगे, इस संख्या को निरूपित करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किन किन संख्याओं के बीच में ये संख्या निरूपित करनी है। आप मुझे बताओ कि ये कौन से दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके बीच में 2.665 आएगा? बचाओ, बताओ जल्दी बच्चा, बताओ ये जो संख्या है 2.665, वो किन दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में आएगा? 2 और 3। इतना क्लियर है कि क्योंकि ये 2 से ज्यादा है, 3 से कम है, तो ये जो संख्या होगी वो किसके बीच में लाई करेगी? किसके बीच में आएगी? 2 और 3 के बीच में आएगी। अब इतना छोटा है ये कि यहां तो हम इसे निरूपित नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद हम इस संख्या को निरूपित करेंगे। तो इतना हमें पता चल गया कि हमें इसे निरूपित करने के लिए किस किस के बीच में देखना है? 2 और 3 के बीच में देखना है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जो हमारी 2.66 जो संख्या है, 665, वो किस किस के बीच में है? वो 2 और 3 के बीच में। अब अगर हम लिखना चाहें तो हम 2 को 2.0 और 3 को 3.0 लिख सकते हैं। दोनों में कोई अंतर है बच्चा? अगर हम दशमलव के बाद 0 लगा रहे हैं तो कोई अंतर आता नहीं है, नहीं आता ना बच्चे? और अगर हम इसको या 2 और 3 के बीच की संख्या रेखा को देखें, तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच में भी क्या होते हैं? 10 नंबर आते हैं। ठीक है,
कितने नंबर आते हैं आपके? 10 नंबर आते हैं। कौन से? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अगर हम 2 और 3 के बीच की लाइन देख रहे हो बच्चा, तो हमें क्या दिखाई देगा कि 2 और 3 के बीच में ये सारे नंबर ही लाए करते हैं अगर हम सिर्फ 2 और 3 की संख्या रेखा बनाए। इतना समझ आ गया बच्चा कि अगर हम 2 और 3 के बीच में जूम करके देख रहे हैं, जूम तो सबको ही पता है, बड़ा करके हम देख रहे हैं बेसिकली, तो आपको क्या दिखेंगे? ये अलग अलग नंबर दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, जो 2.665 है वो कहाँ पड़ेगा? इनमें, इनमें बताओ आप मुझे, जो 2.665 है वो इन नंबर के बीच में, इन संख्याओं के बीच में कौन सी वो दो संख्याएं हैं जिनके बीच में 2.665 आएगा? क्वेश्चन समझ आया आपको? अभी हमने क्या बताया था, हमने देखा था प्राकृतिक संख्याओं के बीच में, तो किस किस के बीच में आ रखा था? 2 और 3 के बीच में। अभी आपको क्या करना है, छोटे लेवल पे देखना है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो 2.665 है वो इन 9 संख्याओं में किन के बीच आएगा? बीच में बताना है बच्चा, आप एक संख्या बता रहे हो, एक संख्या तो बीच नहीं होती, 2 संख्या बताओ ना, इधर की और उधर की। जैसे तुमने पहले बताया था 2 और 3, यहां पर कौन कौन सी 2 संख्याएं होंगी? क्या देखते हैं हम, एक उससे छोटा और दूसरा उससे बड़ा। इस संख्या से छोटा कौन सा है? 2.6। ठीक है, इस संख्या से बड़ा क्या है? 2.7। ठीक है, तो आपकी जो ये वाली संख्या है वो किसके बीच में आएगी? 2.6 और 2.7 के बीच में आएगी। इतना समझ आ रहा? अब हम क्या करेंगे, इसके भीतर 2.6 और 2.7 के बीच में इसको बड़ा करके देखते हैं। ठीक है, जब हमने इसको जूम करके देखा बच्चा, तो हमें दिखाई दिया कि हम इसको जब जूम करेंगे, एक सेकेंड बच्चा, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? हमें दूसरी संख्याएं मिलेंगी इस तरह। ये हमने क्या किया, 2.6 और 2.7 को जूम करा। हम इसको 2.60 लिख सकते हैं, इसको 2.70 लिख सकते हैं। तो 2.60 और 2.70 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं पड़ेंगी? 2.61 हो गया, 2.62 हो गया, 2.63 हो गया, 2.64 हो गया, 2.65 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, 68 हो गया और 69 हो गया। ठीक है, यही सारी संख्याएं होंगी इनके बीच में। तो जब बच्चे हमने इसको बड़ा करके देखा, 2.6 और 2.7 के बीच में बड़ा करके देखा, तो हमें 9 नई संख्याएं मिली। कौन कौन सी? जो कि इस तरह दी गई है, 60 से जैसे आगे बढ़े तो 61 मिला 2., और यहाँ पर फिर आगे बढ़े 2.62, 63, 64, 65, 66, 67। अब आपको याद हो तो हमारी नंबर था 2.665। ठीक है, अभी हम पहुंचे नहीं है, क्या हमें कहीं भी ऐसी संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर से क्या करेंगे, जूम पे जाएंगे। तो आपको बताना है कि ये संख्या यहां पर दी गई संख्याओं के किस किस के बीच पड़ेगी। क्वेश्चन समझ आ रहा? अब सोचो, ये जो 2.665 है वो किस किस संख्या के बीच आएगा, किससे बड़ी और किससे छोटी है? बीच का मतलब क्या होता है, एक उससे छोटी देखो और एक उससे बड़ी देखो। तो बताओ जल्दी से, ये वाली संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में आएगी? सारे बच्चे ध्यान दो जल्दी से, ये वाली संख्या आपको बतानी है किन किन संख्याओं के बीच में आएगी। तुम 2 संख्या बता रहे हो बच्चा, नहीं ये 6, 6, 5 है, तुम गलत बता रहे हो, दोबारा सोचो। ये 6, 6, 5 है, ठीक है, मतलब ये किससे बड़ी होगी? 2.66 से तो बड़ी है ना, क्योंकि 66 यहाँ 0 आएगा, और 2.670 से छोटी है। या ध्यान देना बच्चा, ये क्या है, ऐसे समझ लो, 2 को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये संख्या क्या है? 665।
तो 665 किसके बीच में आएगी? 660 और 670 के बीच में आएगी कि नहीं? चलिए बताओ, 600। अगर हम इसको ध्यान ना दें, क्योंकि ये तो सब में सेम ही है, तो यहां पर जो 665 संख्या है वो किसके बीच में आएगी? 660 और 670 के बीच में आएगी। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो संख्या है 2.665, वो किसके बीच में आएगी? हाँ, वो आपकी आएगी 66 और 67 के बीच में। ठीक है, तो 2.66 और 2.67 के बीच में आएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, हम इसको जैसे हमने इसको बड़ा करके बनाया, तो आप देखेंगे इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। इसको हम 0 मान सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 0 मान सकते हैं। तो 60 के बाद क्या आता है? 61। 61 के बाद क्या आएगा? 62। 62 के बाद क्या आएगा? 63। 63 के बाद 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ठीक है, तो अब हमें सीधा सीधा अपना नंबर मिल गया, जो कि क्या था? 2.665। बस ये हमने इसको ब्लॉक में बंद कर दिया, तो आपका निरूपित हो गया। ये हमारी संख्या रेखा आ गई, वास्तविक संख्या रेखा आ गई, जिस पर 2.665 आ रहा है। इतना समझ आया बच्चा? तो हम क्या करते हैं, हम शुरू तो भले ही प्राकृतिक संख्याओं से करते हैं, पर हमें ये देखना होता है कि किन किन संख्याओं के बीच में आएगा। तो हम क्या करते जाते हैं, जूम करते जाते हैं, करते जाते हैं, और उसी संख्या रेखा पर छोटी छोटी संख्या लेकर हम तब तक बनाते जाते हैं जब तक संख्या रेखा पर हमारा दिया हुआ नंबर, या जिसे हमें निरूपित करना है, वो संख्या ना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से हमने क्या देखा कि हम जूम कर रहे हैं, हम आवर्धन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इस जो ये आपका क्या होता है, प्रक्रिया होती है, इसको भी हम क्या कहते हैं? आवर्धन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं कि आपका क्यों ये यही तो आएगा पेपर में। तुम्हारा क्या है, विकल्पित पेपर है क्या? लिखने को आएगा ना, तो ये आ सकता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बड़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, हमें वो नंबर मिल जाएगा। और किसकी हेल्प से देखते हैं हम? आवर्धन शीशे की मदद से देखते हैं, जिसका काम होता है बड़ा करके दिखाना। कल क्यों पेपर देने जाना? कल पेपर थोड़ी ना है आपका, आपका तो 1 अगस्त से है ना। अच्छा, जिस जो फॉर्म भरा था। ओके ओके, बच्चे आप मुझे ये बताओ कि जो आपका एग्जाम है स्कूल में, ठीक है, वो रिटन है या फिर मतलब लिखित है या फिर विकल्पिक है? हाँ, आप कह रहे हो कि ये नहीं आएगा। अगर लिखित है तो ये आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, सेट का, सेट 1 घंटे का है, लेकिन है कैसा, लिखने का है या फिर टिक मार्क का? अरे जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ पहले। पांच टिक मार्क है। अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं। ये भी ठीक है। हाँ, तो फिर बच्चे अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में लिखित आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही है। जो आपका पद जो आपके परिमेय संख्या में बदलना हो गया, ये जो आपका आवर्धन प्रक्रम हो गया, ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको करनी चाहिए। ठीक, तो आप ये मत कहो कि ये नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये आपको समझ आ गया कि हमने कैसे किया, कैसे हम किसी भी टर्मिनेटिंग या फिर किसी भी शांत नंबर को या फिर संख्या को कैसे निरूपित कर सकते हैं किसी भी संख्या रेखा पर? ठीक, हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आ सकते हैं।
तुम्हें जूम नहीं करना है, वो बस दिखाने के लिए कि हमने जूम किया तो इसके भीतर ये नंबर आ रहा है। वरना हमें तो स्टार्टिंग में क्या नंबर दिख रहे थे, 0, 1, 2, 3, यही नंबर दिख रहे थे। मतलब हमने जूम किया ना, तभी तो हमें 2.1, 2.2, 2.3 दिखा। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम उसके अंदर वाले नंबर देख रहे हैं, उसको ही हम जूम करना कहते हैं। तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? बस तुम्हें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसको ही तुम जूम करना कैसा है। यहाँ पे देखो बच्चा, दूसरा हमने जो लिया था, दूसरा हमने बताया था कि हम कैसे नंबर का करेंगे, एक ऐसे नंबर का जो ना तो कट रहा है, मतलब वो अनवसानी भी है और आवर्ती भी। आवर्ती का मतलब वो रिपीट हो रहा है बार बार, या फिर रिकरिंग कर रहा है। दो क्वेश्चन आएंगे हार्डली, लेकिन बच्चे उसमें से ये आ सकता है। अगर पहले वाले से क्वेश्चन दिया तो ये वाले क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चा, परमजीत क्या कहना चाह रहे हो? यहाँ पर हम किसका निरूपण देखेंगे? हम देखेंगे 5.3777 का निरूपण देखेंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 5.37 पर बार भी कह सकते हैं। जब इस तरह के नंबर आते हैं, जहां पर आपके कैसे नंबर हों, जैसे आपके रिपीटिंग नंबर हों या फिर आवर्ती नंबर हो, तो हम लगभग लगाते हैं। हमें कभी भी पूरा पता नहीं चलता आवर्ती वाले नंबरों का। हम क्या करते हैं, हम उसको एटलीस्ट 3 अंक तक एटलीस्ट निर्धारित करते हैं। क्या हुआ बच्चा, किसी ने माइक ऑन किया? कुछ पूछना है बच्चे? नो। तो हम क्या करते हैं बच्चा, आपकी जो संख्या है, जो आपका क्या आ रहा है, रिपीट कर रहे हैं, बार बार आ रही हैं, उनको हम 3 अंक तक क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। और फिर वो जहां आ रहा हो उसी के अक्रॉस हम लाइन ड्रॉ करके बोलेंगे कि यहाँ पर ये नंबर आवर्ती होगा, ठीक है? तो पहला अंक देखते हैं हम। यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो है 5.3777, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ आप, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या दिया, एक सेकंड बच्चे, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, ये जो नंबर है वो किन किन नंबर के बीच में आएगा? क्या कह रहे हो? उनको कहते हैं बच्चे कि हमें उसे दशमलव रूप को परिमेय संख्या में बदलना है। सीधे से क्वेश्चन आएगा, एक नंबर दिया होगा और कहा जाएगा कि आप इसको P/Q के रूप में बदलो, ठीक है? चल, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये जो नंबर है 3.5.37777, ये किन दो नंबरों के बीच आएगा? इतना क्लियर है? इसको ध्यान से समझ लो बच्चा, अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो उसमें से पहले चैप्टर में ये भी आ सकता है, क्योंकि ये लंबा भी होता है, तुम्हारा टाइम भी जाएगा और ये 5 नंबर में ठीक भी होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बच्चा, आपको इतना पता चल गया कि 5.3777 है वो किसके बीच में आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। अब तो हमें इतना पता चल गया कि हमें किसके बीच के नंबर लेने हैं, 5 और 6 के बीच में लेने। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 5 और 6 के बीच में। 5 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चा, ये इसको हम क्या मान सकते हैं, 5.0, और इसको क्या ले सकते हैं, 6.0। तो इसके बीच में जो अंक आएंगे वो आएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 8 और 9, यही अंक आएंगे। अब आपको ये देखना है कि 5.37, अब यहां पर आपका फोकस क्या है, दूसरा अंक या फिर दशमलव के बाद पहला अंक। तो यहाँ पर आप देखो, आपका दशमलव के बाद पहला अंक क्या है, 3, और 3 के आगे नंबर है, ठीक? तो मतलब 5.3 से बड़ा है और 5.4 से छोटा है। तो यहाँ पर आपका जो अंक है, ये जो दिया हुआ अंक है, वो कहाँ पर लाई करेगा बच्चा, वो यहाँ पर आएगा 5.3,
और 5.4 के बीच में। इतना समझ आया बच्चा? 5 और 6 के बीच में देखा तो हमें 9 नए अंक मिले, फिर हम जब उसके बीच में हमने अपना नंबर देखा कि कहाँ पड़ेगा तो हमें क्या मिला कि 5.3 और 5.4 के बीच में पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इसको भी बड़ा किया, क्योंकि हमें तो हमारा नंबर क्या चाहिए, 7, 7, 7, 7 चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके भी बीच में जाएंगे ताकि हमें दशमलव के बाद दूसरा अंक मिल जाए, ठीक है। हमें कितने अंक चाहिए दशमलव के बाद, हमें एटलीस्ट 3-4 अंक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरे अंक पे जाएंगे। दूसरे अंक पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे। तो हम बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, 5.30 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.40 लिख सकते हैं ना बच्चे। और इन दोनों के बीच के नंबर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5.31, 5.32, 5.33, 3.4 और 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ठीक है। इतना समझ आया बच्चा? अब हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर क्या, दो अंक देखो 37 आ रहा है, 37 के बाद कुछ अंक आ रहे हैं, मतलब ये जो नंबर है वो 5.37 से बड़ा है और 5.38 से छोटा है। इतना समझ आया बच्चा कि ये वाला जो नंबर है वो आपका कहाँ पड़ेगा, वो 5.37 और 5.38 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इसके आगे ड्रॉ करेंगे। कहाँ कहाँ ड्रॉ करना हमें, ये हमें करना है इन दोनों के बीच में। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 5.37 था और 3.8 था, इनके बीच में जाएंगे तो हमारा जो नंबर है दशमलव के बाद की आपकी एक और संख्या आ जाएगी, तो आपका 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। इनके बीच में कौन कौन से अंक आएंगे, ये 70 है, यहाँ तो कुछ बदल नहीं रहा, ये 370 है, तो 371, 372, 373, 374, 75, 76, 77, 78, 79 और 80, ठीक है। तो आपका जो अंक था वो था 5.3777, ठीक, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो अंक है वो कहाँ पड़ेगा, ये 3.77 और 3.88 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो अंक है वो कहाँ पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। टाइम देख लो, तो ये नहीं है, समझ लो ढंग से। तो हमने क्या किया बच्चा, हम इसको एक बार और करके देखें। तो यहाँ पर जैसे हमने 5.377 और 5.38 के बीच में देखा तो हमें क्या मिला कि ये जो संख्याएं हैं ये हम क्या लिख सकते हैं, 7, 7, 0 और 7, 8, 0, ठीक है। तो इसके बीच में देखोगे 3, 3, 7, 7, 1, 7, 7, 2, 7, 7, 3, 7, 7, 4, 7, 7, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका जो अंक है बच्चा वो कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो, क्यों अजय, कहीं जा रहे हो तुम, पढ़ना नहीं आगे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया बच्चा, इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि ये आवर्ती संख्या है, इसके बाद में सेम जीरो आते ही रहेंगे, तो बाय क्यों करो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से आप लाइन खींच दोगे, इसका मतलब है कि जो आपका 5.37 है या 37 पे बार है वो कहाँ आएगा, 3.77 और 3.88 के बीच में आएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा? तो जब भी हम किसी भी वास्तविक संख्या रेखा पर ऐसी संख्याओं को दर्शा रहे हैं जो कि कैसी है, आवर्ती है नेचर में, ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक रूप से आवर्ती है, तो हमें उसके कम से कम 3 अंक तक दर्शाना होता है, फिर हम वहां पर एक लाइन खींच के कह सकते हैं कि यही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी और लगभग वो नंबर यहाँ ही आएगा। लेकिन कम से कम आपको सेम नंबर, एक ही नंबर को 3 बार तो निरूपित करना ही पड़ेगा, या 3 बार तो 3 अंक तक तो जाना ही पड़ेगा,
यहाँ तक सब क्लियर है बच्चे? किसी को यहां तक डाउट है बच्चा? पूछ लो अगर डाउट है, वरना आगे बढ़ेंगे। ओके चल फिर आगे देखते हैं। आगे देखेंगे बच्चे कि हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे कर सकते हैं, और जब हम संक्रियाएं करते हैं तो हमें किस तरह का नंबर मिलेगा, किस प्रकृति का नंबर मिलेगा। संक्रियाएं सबको ही पता है क्या क्या होती है, जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, गुणा करना हुआ, भाग देना हुआ। तो हम यहाँ पर वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया करने की बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करें बच्चे परिमेय संख्या की। तो क्या होता है बच्चा, जब हम परिमेय संख्याओं पर कोई भी गणितीय संक्रिया करते हैं, कोई भी संक्रियाएं करते हैं, चाहे जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, गुणा करना हुआ या फिर भाग करना हुआ, आंसर हमेशा परिमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, यहाँ देखो हमने क्या किया, जब हमने 3 को 5 में जोड़ा तो कितना आया, 3 भी एक परिमेय संख्या थी क्योंकि हम इसे 3/1 लिख सकते हैं, 5 भी एक परिमेय संख्या थी और 8 भी एक परिमेय संख्या है। सेम अगर हम बात करें बच्चा कि हमने क्या किया, अनुज कहाँ गया, इसको आगे नहीं पढ़ना, बाय तुम कर रहे थे, चला वो गया, क्या पता उसका नेट चला गया, वो आ जाएगा। ठीक है, सेम हम क्या कर सकते हैं बच्चे, जब हम एक परिमेय संख्या में पता नहीं, याद देखो, जब हम एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, तब भी आपका जो आंसर है वो कैसे रहेगा, वो एक परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, सेम अगर हम क्या करें बच्चा, जब हम इसका गुणा कर रहे हो तब भी क्या आएगा, तब भी ये परिमेय संख्या आएगा, और जब हम भाग करते हैं इसका तब भी आपका क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या पे हम कोई भी संक्रिया करें, आंसर आपका वही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, या परिमेय संख्या ही आएगा, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के साथ ऐसा नहीं होता है। अपरिमेय संख्याओं का बच्चा कोई भी भरोसा नहीं है, जैसे माइनस का पढ़ा था ना हमने, प्राकृतिक संख्याओं में घटाने का पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं में से हम क्या करते हैं, दूसरी प्राकृतिक संख्या घटाते हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या हो भी सकती है, नहीं, यहाँ भी वही है। जब हम एक अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी गणितीय संक्रियाएं करते हैं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो अपरिमेय संख्या ही आए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो √3 से √3 घटा रहे हैं, ठीक, जो आपका वर्गमूल 3 है उससे वर्गमूल 3 घटा रहे हैं, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 तो एक परिमेय संख्या है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, और √3 और √3 कैसे हैं, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं की जब संक्रिया हो रही है तो वो परिमेय संख्या दे दिया, लेकिन जब हम अपरिमेय संख्याओं के साथ संक्रियाएं करते हैं तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो आपकी परिमेय संख्या ही या फिर अपरिमेय संख्या ही दे। वो कभी कभी परिमेय संख्या देगी आपको और कभी कभी अपरिमेय संख्या भी दे सकती है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपकी कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणा किया तो ये क्या हो गया, वर्गमूल, गुड इवनिंग बच्चे, वर्गमूल 3 गुणा 3। अब ये देखो जोड़ा बन गया, इनका योग बन गया, अब ये जोड़ा बन गया तो इसके बाहर आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। पता नहीं ये पहले भी आया था, फिर चला गया, फिर अब भी आ रहा है, अब फिर गुड इवनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, देखो जब हम दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करें तो ये परिमेय संख्या भी दे सकती है। मान लो हम क्या करते, ये हम √3 का और √5 का गुणा करते तो ये तो 12 नहीं आता, मतलब ये तो युग्म बनता नहीं, जोड़ा बनता नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या भी दे सकता था। तो इनका कोई भी निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहां तक समझ आया बच्चा, परिमेय
परिमेय संख्याओं पर जब हम कोई संक्रिया करेंगे, गणितीय संक्रिया, तो उसका उत्तर परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या पर हम कोई प्रक्रिया करेंगे, कोई संक्रिया करेंगे, तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होता। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि आंसर हमेशा आपका अपरिमेय संख्या ही आए। ठीक, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि दोनों संख्याएं हम कैसी ले रहे थे, एक जैसी ले रहे थे। मान लो हम अलग अलग संख्या ले, एक हम कैसी ले ले, परिमेय संख्या ले ले, और दूसरी हम क्या ले ले, अपरिमेय संख्या ले ले। तब क्या होगा, अगर कहीं भी किसी भी नंबर में, चाहे वो गुणा में हो, चाहे भाग में हो, चाहे जोड़ में हो, और चाहे घटाने में हो, अगर कहीं भी आपकी एक अपरिमेय संख्या आ जाती है, तो वो पूरी की पूरी संख्या को क्या बना देती है, अपरिमेय ही बना देती है। मीन्स अगर हम एक अपरिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ेंगे, तो उसका जो आएगा, ठीक है, जो भी फल आएगा वो हमेशा कैसे होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगा। देखो, दो आपकी कैसी संख्या थी, परिमेय संख्या थी। रूट तीन कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। हम जब दोनों को जोड़ रहे हैं, वैसे तो ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन जो भी आपका भागफल आया, जो भी आंसर आएगा, वो कैसा होगा, वो एक अपरिमेय संख्या ही होगी। सेम हम बात करें बच्चे गुणा की, तो गुणा भी इसी तरह होता है। अगर हम क्या करेंगे, एक अपरिमेय संख्या का गुणा दूसरी अपरिमेय संख्या से करेंगे। यस बच्चा, किसी को कुछ पूछना है, दिपेन कुछ पूछना है, तो आपका क्या आएगा, तो वो जो संख्या आएगी 2√3, वो आपकी कैसी आएगी, वो भी अपरिमेय संख्या आएगी। जब भी किसी भी संख्या में आपको अपरिमेय संख्या लगी मिल जाती है, तो वो संख्या आपकी कैसी कहलाती है, अपरिमेय संख्या ही कहलाती है। नेक्स्ट हम आपको सिखाएंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है बच्चा, दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जब भी हम एक अपरिमेय संख्या का गुणा दूसरे अपरिमेय संख्या से करते हैं, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो हम यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या का गुणा कैसे करना है इसकी बात करें। तो बच्चा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो आपके रूट की संख्याएं हैं उनका गुणा उनके साथ करेंगे, और जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं अंडर रूट के बिना है उनका गुणा अलग करेंगे। ठीक है, तो 6 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ, और √5 का गुणा किसके साथ होगा, √5 के साथ। इतना समझ आया बच्चा, जब हम क्या करते हैं ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, तो परिमेय संख्याओं का गुणा आपस में होता है और अपरिमेय संख्याओं का गुणा आपस में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12। और बच्चा एक चीज और हम आपको बताते हैं कि जब दो रूट की संख्याओं का गुणा होता है, तो हम इन दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये आप 5 और 3 का गुणा कर रहे हो, ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक ही रूट में 5 और 3 को लिख सकते हैं, कोई भी अंतर नहीं आता। या हम क्या कर रहे हैं, 5 में √3 से भाग दे रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, कुछ भी नहीं बदलता। तो इसको हमने क्या लिख लिया, √5 × 5। अभी देखो दोनों का जोड़ा बन गया, तो अभी हमने क्या सीखा था, जब रूट के अंदर जोड़ा बन जाता है, दो एक से नंबर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और एक बार आ जाएगा। ठीक है, 2 का 1 बन के ये बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, 12 × 5 कितना आ गया, 7। समझ आया बच्चा, ये समझ आया। चल ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फिर हम आपको भाग करना बताते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम आपको भाग करना भी बताते हैं।
बच्चे अभी ना ये सिर्फ आपके उसके लिए है, क्लासेस के लिए, ये डेटा वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, पोल में क्या ही करोगे करके, मुझे पूरा आंसर टाइप करना पड़ेगा, टाइम लगे। अच्छा अगली क्लास में हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जहां तक ये आज खत्म हो जाएगा तो अगले क्लास में सब लोग टाइम से आ जाना, 10 मिनट हम क्विज करेंगे, ठीक है? 10 क्वेश्चन की क्विज करेंगे नेक्स्ट में। हाँ ठीक है, समझ आया? समझ आया क्या करेंगे? पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया 36, और ये कितना होएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे 3 गुणा 3, ये आपका क्या बन गया, जोड़ा। हाँ जोड़ा बन गया, तो ये 12 आ जाएगा, 36 गुणा 3, तो कितना आएगा 18 0 1। सबको ये चैप्टर अगली, अभी जाना नहीं है, मैं बस बता रही हूँ कि अगली क्लास में इसको, पहले वाले अध्याय को अच्छे से पढ़ के आना, लास्ट क्लास के मैं मतलब लास्ट सेट वाले जो पेपर है ना उनकी मैं रिसर्च करूंगी, लास्ट ईयर में जो हुए होंगे, और जो भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे, उसकी हम कम से कम 10 क्वेश्चन की एम जो विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं ना उसका क्विज करेंगे अगली क्लास में, तो पढ़ के आना ये वाला चैप्टर। नहीं छुट्टी नहीं कर रहे हम, बस बता रहे हैं, तुम लोगों को पोल में आंसर देने में मजा आता ना, इसलिए हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि पहला चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, तो आप इसको रिवाइज करके आना, इसकी क्विज करेंगे जो कि, हाँ ठीक है चलेगा। क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है ये अनुज, तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख के आ रहे हो? ठीक है यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यार डिवाइड करना है, ठीक, भाग देना है, अभी हमने गुणा किया था, भाग करना यहाँ पर, नहीं छुट्टी नहीं करना, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको देखो क्या करना है, भाग करना है, ठीक। यहाँ पर भी रूल वही होता है, परिमेय संख्या का भाग हम किससे करेंगे, परिमेय संख्या से करेंगे, नो बस 10 मिनट बचे पढ़ लो, ठीक है, और अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या करेंगे, तो मैं बता तो रही हूँ अगली क्लास में हम क्विज करेंगे, क्विज का मतलब है 10 क्वेश्चन हम करेंगे पहले चैप्टर के, तो पढ़ के आना, और अभी जाना कहीं नहीं है, यहाँ ध्यान दो। हमने क्या बताया कि परिमेय संख्या का भाग हम परिमेय संख्या से करेंगे और अपरिमेय संख्या का भाग हम अपरिमेय संख्या से करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, 8 भागे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, रूट को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो आप इसको एक साथ कर सकते हैं, ये कर लो, फिर हम इसका क्वेश्चन देते हैं। तो हमें क्या करना है, 2 का भाग 8 में देना है, तो 2 का भाग 8 में दोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक, इतना तो हमें पता चल गया कि परिमेय संख्या का जो आंसर है वो क्या है, 4 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने रूट वाली संख्या ली है, अपरिमेय संख्या ली है, इनका भाग करेंगे, तो 3 का भाग जब हम 15 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 5 आ गया, लेकिन रूट तो कटा नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 रूट 5। समझ आया क्या बताया मैंने, जब हम भाग करते हैं ऐसी संख्याओं का जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों हो, तो हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या का भाग परिमेय संख्या से करते हैं और अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से करते हैं, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं रूट के अंदर हम अगर 2 रूट इस तरह गुणा में लिखे हैं तो भी हम उन्हें एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, और अगर भाग में लिखे हैं तब भी हम उनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ हल करेंगे, ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप ट्राई करो जल्दी से। चल ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, कितना आएगा, फिर इसके बाद आगे बात बताते। जल्दी ट्राई करो बच्चा, ओके हाँ देख लिया मैंने।
डाउन, पेन, क्यों पेन का क्या करना है, सही तो चल रहा है। क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। अभी हमने क्या बताया आपको कि ये आपका क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दो का मैम भाग। दिख नहीं रहा है, दूसरा पेन ले। अच्छा दिख ही नहीं रहा, 16 रूट अब दिख रहा है, ठीक। तो हमें क्या करना है, दो का जो आपकी परिमेय संख्या है इसका भाग करोगे कितने बार जाएगा, 8 बार, ओके। यहां हमें क्या करना है, रूट को हम एक साथ लिख लेते हैं, तो 30 है और बटे 10 है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 10 का भाग 30 में देना है, तो आसान है, कितने बार जाएगा, 3 बार, रूट तो पहले से है, आंसर क्या आ जाएगा, 8√3, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने आंसर सही दिया है तो आई गेस आता होगा आपको। नर्सिस देखते हैं बच्चे, आगे देखेंगे हम कि किसी भी संख्याओं के जो मूल होते हैं उन पर संक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है, ब्लैक से लिख देते हैं। आगे बात करेंगे हम संख्याओं के जो मूल होते हैं उन पर संक्रियाएं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मूल कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। जैसे हमने वर्गमूल देखा था, ठीक, वर्गमूल सबको पता है क्या होता है, कि अगर इस रूट के अंदर दो संख्याएं आ रही हैं तो हम क्या करते हैं उसको बाहर एक बार लिखते हैं। ऐसे ही आपका क्या होता है बच्चा, घनमूल, घनमूल में का जो चिन्ह है वो क्या है कि यहाँ पर आपका रूट का ही चिन्ह होगा, ठीक है, इसी तरह का चिन्ह बना होगा पर यहाँ पर 3 लिखा होगा, कुछ भी, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पर 3 लिखने का क्या मतलब होता है बच्चा, यहाँ पर 3 लिखने का मतलब होता है कि अगर एक संख्या इस रूट के अंदर 3 बार आएगी तो ये बाहर लिख के या बाहर आके एक बार लिखी जाएगी। सेम अगर यहाँ पर बच्चा 4 होता तो इसका क्या मतलब होता कि जब इस वर्ग के अंदर 4 मतलब एक जैसी 4 बार संख्या आएंगी तब ये बाहर निकलकर एक संख्या बनेगी, ठीक। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं है तो इसे हम वर्गमूल कहते हैं या यहाँ पर 2 संख्या बांधते हैं, जिसका मतलब होता है कि अगर एक ही जैसी संख्या 2 बार आ रही है तो वो इस वर्गमूल से बाहर आ जाएगी और एक बार लिखी जाएगी। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब एक ही संख्या 3 बार आएगी तब उसको बाहर निकाल के हम एक बार लिख सकते हैं। और अगर 4 लिखा होगा तो सेम वही कि 4 बार अगर आएगी वर्गमूल के अंदर तब एक बार लिखी जाएगी, ठीक। 5 लिखा है तो इसका मतलब है कि 5 बार जब संख्या आएगी तब उसे एक बार लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम इसे निकालेंगे कैसे, ठीक, इसका मतलब समझते हैं। अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है, एक ऐसी संख्या निकालनी है जिसका घन, ठीक है, जिसका घन 8 हो। पी बटे क्यू मैं समझा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ बच्चे, यहाँ का मतलब होता है अगर आपसे कहा गया है कि इसके बराबर निकालो तो आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि या जिस नंबर का घन जो है वो इसके बराबर हो। घन का मतलब समझते हो, घन का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसे एक ही संख्या में 3 बार गुणा किया गया हो, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, इसका घन चाहिए। देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर 8, मतलब 8 दिया गया है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 8 के निकालेंगे गुणन। 8 के गुणन निकालना आता है, क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 2 से भाग करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से भाग करोगे तो आपका क्या आएगा, 1, ठीक। तो हमें क्या पता चल गया कि 8 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 है, अभी हमने आपको मतलब बताया, इसको हम क्या कहते हैं, कहते तो इसे घनमूल है, इसका मतलब होता है कि कोई भी अंक अगर रूट के वर्गमूल के अंदर 3 बार आएगा तो इसे हम बाहर लिख के क्या कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, 2।
ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, जब हम दो का गुणा तीन बार करेंगे तो आपका क्या आएगा, तीन आठ आएगा। ठीक, तो दो का क्यू आठ होता है और आठ का जो वर्गमूल होता है वो आपका कितना होएगा, दो। क्या कहीं को भी कर रहे हो इधर उधर, अपना अपना कुछ भी कर रहे हो तुम। ठीक, अब चलो इसका बताओ, इसका आंसर बताओ जिसको भी समझ आया। सबसे पहले क्या करो, इसके गुणन करो। ठीक, अब यहाँ पे देखो साफ साफ पांच लिखा है, मतलब गुणन के अंदर अगर, मतलब एक ही अंक अगर पांच बार आएगा तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। ट्राई करो, इसको ट्राई करो जल्दी से। अरे आंसर बताओ कोई। ओके, बाकी बच्चे कॉपी तो नहीं कर रहा हो तुम लोग। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहां पर हमें इसके गुणनखंड करने, तो दो से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है। तीन से देखे, देखो तीन से जाएगा तो 81 आएगा, फिर तीन से भाग करो तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 27, फिर तीन से भाग करो फिर कितना आएगा, 9, फिर तीन से भाग करो 3, और फिर तीन से भाग करोगे तो 1। इसका गुणन कितने आ गया, गुणनखंड कितना आ गया, इसका आ गया आपका 5। कैसे आया 3 गुणा 3, सॉरी 1 कैसे आया बच्चा, 3 गुणा 3 और 3। ठीक, तो अभी देखो ये जो 3 है वो कितने बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। इसमें जो मूल है वो भी कितने बार है, 5 बार है। ओ ध्यान दो, ठीक, मतलब अगर एक अंक 5 बार आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और वर्गमूल छोड़ देगा, तो 3 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो गया, 3 हो गया। 3 मिनट है, काफी है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब भी कोई भी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या का मतलब है कोई भी धन वाली संख्या है, कोई भी ऐसी संख्या है जिसका हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, इस तरह की जो संख्या होती है, अगर ए 9 का जो वर्गमूल है वो 3 है, ठीक है, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है। वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे का मतलब समझ रहे हो, अगर हम 9 का, अरे ध्यान दो, ठीक, अगर हम क्या करें, अगर हम 3 का स्क्वायर निकाले, वर्ग निकाले, तो वो कितना आएगा, 9 आएगा, और अगर हम 9 का वर्गमूल निकाले तो 3 आएगा। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, हम योग बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और वर्ग में क्या करते हैं, एक ही संख्या का दो बार गुणा करते हैं। सेम हम घन की बात करें बच्चा, तो घन हम कैसे निकालते हैं, एक ही नंबर का 3 बार गुणा करके। ठीक, और घनमूल कैसे निकालते हैं बच्चा, घनमूल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीन तीन संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे और जिनका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाते। तो घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत है और वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत है। हमेशा ये याद रखना कि आपका ये और ये आपस में क्या होगा, अभी रुक जाओ, अभी समझा देते हैं, ये आपका क्या होगा, विपरीत होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, फिर आज इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ा देंगे। वैसे ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, क्वेश्चन ही कराने को बचे हैं इसके, वो हम कल करा। नो, आई एम नॉट इन एनी सोशल मीडिया।
है बच्चा, यहाँ तक ही आज हम रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जिसको भी डाउट है वो अभी पूछ सकते हैं।